हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है रोशन भूमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर के खिलाफ मैच जीतकर अब प्लेऑफ की दौर में बनी हुई है। प्लेऑफ पहुंचने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को अब उनके सारे मैच जीतने होंगे यहां से, और हम चेन्नई सुपर किंग्स को हो सकता है कि ये आईपीएल का फाइनल खेलते हुए भी देख सकते हैं। कल केकेआर के लिए बहुत ही अहम मैच था जो कि केकेआर ने गवा दिया। अब चौथे नंबर के पायदान पे केकेआर के लिए जो रेस था वो खत्म होता दिख रहा है, लेकिन धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स यहां से अब प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि उनको अपना आगे का सारा मैच जीतना होगा और बाकी के जितने भी टीम हैं उनको अपना मैच हारना होगा। कल शानदार बल्लेबाजी की रविंद्र जडेजा ने। नीरज, कल के अगर हम पूरे मैच की समरी की बात करें, अगर हम पूरा कंक्लूजन निकाल के देखें पूरा मैच की, तो सीएसके ने मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि सीएसके ढहने वाली, उनके जब विकेट गिरे थे तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो मतलब संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से जडेजा आके जो रन बनाया उन्होंने लास्ट में आके जो सिक्सेस मारे हैं लास्ट ओवर में, जो इतना ज्यादा प्रेशर होता है लास्ट ओवरों में, उनमें जो उन्होंने सिक्सेस मारे हैं, लाजवाब पारी खेली है। शायद उन्हें T20 में पिक नहीं करा है शायद ना, उनकी जगह अक्षर पटेल किया है। अगर इस सीजन में अगर आप देखें तो कल उन्होंने दिखा दिया कि मुझे क्यों नहीं पिक करा, क्यों नहीं पिक करा है। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो जडेजा के तौर पे उन्हें एक फिनिशर मिल गया है इस सीजन में। नहीं, फिनिशर तो वो पहले से ही थे, लेकिन इतना ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि धोनी कर रहे थे। धोनी के जाने के बाद जब उन पे प्रेशर आ गया था, उनको सब कहने लगे थे उन्हें अब एक फिनिशिंग का काम करना पड़ेगा, जो वो बहुत सालों से उनके पास एक्सपीरियंस जो भरा हुआ था, जो धोनी के साथ बैटिंग करते करते उन्होंने सीखा था, तो सबकी नजर उन पे थी धोनी के जाने के बाद कि वो पारी को संभालेंगे और वो फिनिश करेंगे। लेकिन कल जो उन्होंने फिनिश करा, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट फिनिश था पूरे आईपीएल में, और एक कॉन्फिडेंस दिखा उनके अंदर। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चल रहा था, कॉन्फिडेंस में उन्होंने मैच जीता। लास्ट बॉल मुझे छक्का मारा, जो एक बॉल पे एक रन है, दो रन चाहिए, तो उसमें छक्का मारा वो बहुत ही लाजवाब, और प्रेशर सिचुएशन हो चुका था तब, बहुत ही प्रेशर सिचुएशन होती है वो। शायद इसलिए भी थे कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंट था, जो एक मतलब वो जिस तरह से शैली से खेलते हैं, बिल्कुल अटैकिंग से खेलते, कोई प्रेशर उन पर रहता नहीं है, और सीएसके के पास तो हारने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ है नहीं, हमेशा है तो कुछ जीतने के लिए और अपने प्राइड को बचाने के लिए, अपना एक जो एक उनके नाम का है कि सीएसके कभी मतलब बॉटम ऑफ द टेबल नहीं रह सकती, नहीं रही है। जी बिल्कुल, हमेशा क्वालिफाई करी है तो वो थोड़ा सा उसको बचाना चाहिए। कल हमने देखा कि कल एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री स्पिनर है इस सीजन में, उभर कर आए हैं, एक बार फिर से एमएस धोनी का विकेट लेकर अपना झंडा गाड़ दिया। मुझे लगता है पहला विकेट जो एमएस धोनी का लिया था उसी की वजह से शायद उन्होंने टीम में पिक भी कर लिया है जी, और उन्होंने एक बार ये चीज को दोहरा दिया इसलिए कि ये कोई तुक्का नहीं है, कंफर्मेशन। आपने मुझे पिक करे, कोई गलतफहमी नहीं करी है, मैं विकेट ले सकता हूँ बड़े बड़े प्लेयर को। आपको कल करके उन्होंने दिखाया है, एमएस धोनी T20 इतने बेस्ट बैट्समैन है जो हमेशा किसी बॉलर को कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह से उन्हें आउट करा, मेरे हिसाब से वो एक बेहतरीन बॉलर बॉलिंग थे और बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई कल। नीरज, मैंने आपको कल बताया था कि हो सकता है आज शेन वॉटसन टीम में होंगे, और बिल्कुल वही हुआ। शेन वॉटसन टीम में थे, फाफ डुप्लेसिस को टीम में कल जगह नहीं मिली। एक बड़ा, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं जब बोला था कि वो खेल नहीं पा रहे, तो कल भी उन्होंने वैसे ही करा, 19 बॉल में 18 रन, कुछ ज्यादा खास नहीं था। लेकिन उनके अपोजिट जो थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन पे हम सबकी नजर उन पे थी, उनकी कल धोनी ने भी तारीफ करी थी कि वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, एक ऐसा टैलेंट उभर के आ रहा है चेन्नई के लिए जो लंबे समय तक खेलेगा चेन्नई के लिए। चेन्नई की जरूरत भी है ओपनिंग में, कोई ऐसा प्लेयर उभर के आए जो उन्हें एक अच्छी पार्टनरशिप दे और एक अच्छे मुकाम पे सीएसके को ले जाए। बिल्कुल, यहां से अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास दो मैच बच रहे हैं, बिल्कुल, और दोनों मैच को चेन्नई सुपर किंग्स यहां से जीतकर प्लेऑफ का रास्ता अपनाएगी, क्योंकि चेन्नई यहां से दोनों मैच जीतती है तो उनके पास अब 12 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन कल सीएसके ने केकेआर को हरा के मुंबई इंडियंस को फायदा पहुंचा दिया, मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करा, मुंबई इंडियंस तो क्वालिफाई हो चुकी, मुंबई इंडियंस के लिए अब जो है सो फिक्स हो चुका है उनका रास्ता, लेकिन बाकी टीम अभी भी उनके क्या होगा। अगर आज पंजाब और राजस्थान रॉयल में अगर एक जीत जाती तो फिर राजस्थान रॉयल नहीं, अगर पंजाब जीत जाती तो वो सेकंड नंबर पे चली जाती है, अगर हारती है तो फिर वो नीचे आ जाएगी। तो और केकेआर के लिए ये बहुत अहम मुकाबला था, और केकेआर ने पिछले बार चेन्नई सुपर किंग्स को इसी तरह हराया था, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मस्ट विन गेम था, और ये केकेआर के लिए मस्ट विन था, और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें हरा दिया है। केकेआर की अगर बात करें कल, तो अच्छी बैटिंग थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो उनको स्टार्ट मिला था थोड़ा बहुत
जो उसके बाद जो गिल आउट हो गए, उसके बाद फिर राणा ने जो एक शॉट खेले थे कर्ण शर्मा के ओवर में, तीन जो छक्के लगाए थे बैक टू लगातार तीन छक्के लगाए, और उनकी पारी मुझे लगता है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं, अगर नीतीश राणा को पिक नहीं किया गया टी ट्वेंटी स्क्वाड में, अगर आप देखें या फिर वनडे में भी तो मुझे लगता है उनकी जो एक कसर थी वो निकाली उन्होंने कि मुझे क्यों नहीं पिक करा। अगर आपने ऐसे ऐसे प्लेयर पिक करे जिनकी परफॉर्मेंस उतनी खास भी नहीं है, जैसे ऋषभ पंत जैसे आपने पिक करे, तो नीतीश राणा में क्या कमी थी? वो भी तो एक अच्छे खेल के आ रहे हैं, उनका जो अगर आप रिकॉर्ड देखें इस आईपीएल में तो बहुत ही अच्छा है। उनके पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे, कल के मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे, मुझे लगता है उन्हें पिक जरूर करना चाहिए था। नीतीश राणा ने जरूर लाजवाब बल्लेबाजी की, लेकिन चेन्नई ने अपने और शिफ्ट मोमेंटम कब शिफ्ट किया, जब ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू ने एक लंबा पार्टनरशिप कर दिया। अंबाती रायडू को तो हम भूल गए थे, लेकिन अंबाती रायडू बहुत अच्छा खेल रहे थे जी। मुझे लगता है वो जब भी आते अच्छा ही खेलते हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं मुझे लगता है कोई भी, चाहे वो स्पिनर हो या फिर फास्ट बॉलर हो, हमेशा ही सबको अच्छा ही खेलते हैं वो। कल हमने देखा 20 बॉल में जो 40 रन बनाए थे, जो पैट कमिंस को आगे निकलकर जो छक्का लगाया उन्होंने लाजवाब, पैट कमिंस जैसे बॉलर को अगर आप ऐसा खेल सकते हैं तो वो किसी भी बॉलर को कुछ भी। एक अहम पारी था वो, उन दोनों के बीच में जो एक पार्टनरशिप हुई थी ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू के बीच, वो बहुत ही अहम पारी थी। अगर वो नहीं होती तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं अगर धोनी भी आउट हो गए थे। उसके बाद उतने एक्सपीरियंस नहीं था, जडेजा थे, लेकिन जडेजा भी ऐसे मूवमेंट पे जाके फिसल जाते हैं, लेकिन अगर उनके फिर एन जगदीशन थे, फिर उतने मतलब एक्सपीरियंस था नहीं। उसके बाद वो पार्टनरशिप बिल्कुल खेल को बदल दिया। तो यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स अब जो है सो हम देख सकते हैं प्लेऑफ में पहुँचते हुए, और चेन्नई सुपर किंग्स के जो समर्थक हैं, जो दर्शक हैं, वो भी चाहते हैं कि प्लेऑफ में जल्द से जल्द चेन्नई सुपर किंग्स पहुँचे, ताकि वो पहली बार पिछले बार जैसे हमने देखा है हर बार की तरह प्लेऑफ में पहुँचती रही, इस बार भी प्लेऑफ में पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरा के पीछे अर्जुन है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है रोशन भूमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।